अस्सलामुअलैकुम जी, मैं फैमिली वेलफेयर काउंसलर खालदा मलिक, मैं आपसे आज बात करूंगी ऐसे केस के बारे में जो कि हम कहते हैं कि जी बेटा ज़रूर होना चाहिए और बेटा पैदा करते करते जो है वो हम लोग बहुत ज़्यादा जो है वो अपने बच्चे पैदा कर लेते हैं और उसमें ये नहीं देखा जाता कि ये बेटियां हैं, ये भी अल्लाह की रहमत है और ये भी बेटों के ही बराबर हैं अगर समझा जाए तो। ये क्लाइंट हैं आपके सामने और इसकी जो है वह मैं मोटिवेशन कर रही हूँ। ये हमारे हॉस्पिटल में लेबर रूम में मरीज़ है और इसकी जो है वो एक बेटी की डेथ हुई है लास्ट छठी की, पांच बेटियाँ इसके पास हैं और ये इसका सातवां बेबी है और सातवां जो बेबी है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इसको बेटा दिया है जिसके लिए इसने सात बेटियों को जन्म दिया है। और शी इज़ नॉर्मल डिलीवर, इसने नॉर्मल डिलीवरीज हैं इसकी सारी और इसकी जो है वो फैमिली प्लानिंग मेथड्स के अंदर भी कोई लंबा वक्फ़ा नहीं है। तो मैं आप से जो है वो यही गुजारिश करना चाहती हूँ, ये वीडियो जो है वो बनाने का मकसद ये है कि हम खुदारा खुदारा जो है वो बेटियों को जो है हम कुछ भी नहीं समझते और हम समझते हैं जी बेटे ही सब कुछ हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। और बेटियां जो है वो हमने इतनी पैदा कर ली हैं सिर्फ एक बेटे के लिए, लेकिन हम आने वाले वक्त में ये नहीं सोच रहे कि हमने इन जो है पांच छह बेटियों को इनका फ़र्ज़ किस तरह अदा करेंगे, इनको हम किस तरह पढ़ाएंगे और हम इनके जो है वो हालात जो है हमारे आजकल जो है इसमें हम लोग किस तरह इनकी परवरिश कर सकेंगे। और ये मरीज़ जो है ये पुअर मरीज़ है, तो देखा जाए तो सिर्फ बेटे के लिए इस क्लाइंट ने माशाल्लाह छः बेटियां पैदा की हैं और ये सातवां इसका बच्चा है। तो मैंने इसको मोटिवेट किया है और अपने सेंटर में आने की बड़ी ताकीद की है, इसको तसल्ली दी है और इंशाल्लाह ताला जो है वो हम इसकी केयर करेंगे, इसको हमने एनीमिया की मेडिसिन वगैरह भी देंगे और इसको हम आगे तक जहाँ तक हो सके इसकी हम हेल्प करेंगे और हम इसको लंबा कोई मेथड देंगे या इसको कोई भी इसकी हस्बैंड और जो है वाइफ दोनों को बिठा के अच्छी तरह काउंसलिंग करके इसके बारे में हम बेहतर सोचेंगे।